Hello dear students, I am going to start chapter 4.3 from your mathematics book. आज मैंने कुछ बच्चे को ये सम करवाया है और ज़्यादातर बच्चे ड्यू टू स्कूल एक्टिविटीज़ बाहर थे तो नहीं करवा पाए, तो आप लोग ताकि पीछे ना पड़ जाओ इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. सो 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर वन का आज सभी सम मैं करवा दूंगा आप लोगों को, और साथ में आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी दूंगा, तो वो आप लोग खुद से करना ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को एक्चुअली में समझ में आया कि नहीं आया. सिंस आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और जल्दी होने वाला है, सो प्लीज़ बी अटेंटिव और ध्यान से वीडियो को देखो और मैथ्स को समझो. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से इन लोगों का जो रूट्स है उसको निकालना है. नाउ इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. अगर रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो हम लोगों को निकालना है. नाउ व्हाट इज़ रूट एक्चुअली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है. मैंने जब आप लोगों को दो नंबर चैप्टर करवाया था पॉलीनोमियल, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया था, मिडिल टर्म करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाला था, जो भी वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकाला था ना, दैट इज़ आइदर और करके. और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, दैट इज़ आपका 4.1 का वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. इसका एक स्पेशल सेपरेट फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला. उस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अगर चाहे, इन सभी सम को भी हम लोग अगर चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्पेशली 2 नंबर और 3 नंबर को अगर हम लोग चाहे तो मिडिल टर्म में सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन 4.3 में आप लोगों को स्पेशली फार्मूला मेंशन कर देता है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है. तो अगर मिडिल टर्म होता तो हम लोग आराम से कर लेते, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, तो कैसे आप वैल्यू को निकालोगे. पहले रूट्स का 3 नेचर होता है, ठीक है. एक होता है रियल, दो डिफरेंट रूट्स. रियल दो डिफरेंट रूट्स यानी हम लोग जब मिडिल टर्म करते थे, मिडिल टर्म करने के बाद आप लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना होता था ना, तो वहाँ पे कभी कभी आप लोगों ने किया है क्या, एक्स का वैल्यू अलग निकला है. 2x का वैल्यू निकालना पड़ता है और 2x का वैल्यू अलग अलग निकलता है, तो उसको बोलते हैं क्या, टू रियल रूट्स, दैट इज टू रियल डिस्टेंट और डिफरेंट रूट्स. और एक होता है क्या, इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का मतलब जहाँ पे एक्स का वैल्यू 2x का वैल्यू सेम होगा, और एक है जहाँ पे कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो आपको ये चीज़ मैं जो दिखा रहा हूँ, आप भी आपको वो चीज़ आपको अच्छे से लर्न कर लेना है. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है. मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते वो सिखाया था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू कैसे निकालते वो भी सिखाया था. तो अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने के बाद उसका अगर वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो आपको याद रखना होगा वहाँ पे 2 रूट्स निकलेगा, यानी एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, और वो दोनों क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है. और सेकेंड कंडीशन में अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तब आपको 2 रूट्स निकलेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. और थर्ड कंडीशन में क्या है, आपका जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी माइनस में आ जाएगा, सपोज एक्स का वैल्यू -1, -2, -3, -5 ऐसा निकला, तो वहाँ पे हम लोग को क्या नहीं करना है, वहाँ पे कोई रूट्स नहीं निकलेगा. यानी आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया ना, तो वहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू को और निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते. क्लियर. तो इसको कहते हैं कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट कहते कहते हैं इसको, भेद निरूपक भी आप कह सकते हो. तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि रूट्स है कि नहीं. अगर है तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से, और करने के बाद दैट इज एक्स का 2 वैल्यू निकालेंगे. तो पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप लोगों को लिख के रख दिया है. बुक में ऐसा जैसा क्वेश्चन है वैसा नहीं देगा, क्वेश्चन को घुमा के ऐसे बना के दे देगा. दैट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0. यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आप लिख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन
टू एक्स स्क्वायर माइनस थाइज एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है मैंने बता दिया, तीन, ठीक है। अगर है रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल है तो उसका रूट्स यानी एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहला वाला कर लेते हैं। तो सिंपली समझ लेना है आपको, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना होगा, हियर आपको ए का वैल्यू निकालना है, पता ही है एक्स स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए का वैल्यू रहता है, एक्स के साथ बी का वैल्यू रहता है और इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज सी। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, जहाँ पे ए का वैल्यू जीरो का बराबर नहीं होगा, ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो इस सम को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर के साथ ए का वैल्यू रहता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया टू। देन सर बी का वैल्यू किसके साथ रहेगा, एक्स के साथ, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। और सी का वैल्यू कितना है सर, प्लस फाइव, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या था सर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो अभी इसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं डी का वैल्यू कितना आता है, देखते हैं। पहले तो यहाँ पे बी स्क्वायर है और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना देके रखा है सर, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो। देन माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है सर, टू है, तो टू बैठा दो। इंटू सी का वैल्यू कितना है सर, फाइव है। तो अभी इसको सॉल्व करो, नाइन माइनस थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, प्लस नाइन। देन माइनस फोर इंटू टू इंटू फाइव करेंगे तो फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, दैट इज माइनस फोर्टी। अभी देखो नाइन से अगर माइनस फोर्टी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस थर्टी वन। और मैंने अभी बताया था ना आपको, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी डी का वैल्यू अगर माइनस जीरो से छोटा होता है वहाँ पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे डी का वैल्यू माइनस थर्टी वन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, मिडिल टर्म में भी सॉल्व नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसी को कहते हैं दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी का वैल्यू जीरो से कम हो गया तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स, चेक करने के लिए बोला था ना रियल रूट्स है कि नहीं। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला करके देखते हैं वहाँ पे रियल रूट्स होता है कि नहीं, चेक करते हैं। सो, अभी टू नंबर करने वाला हूँ। आई नो कि वीडियो देख के करने में बहुत पेशेंस का ज़रूरत होता है और आप लोग कभी कभी सिंस लेक ऑफ पेशेंस के कारण आप लोग करते भी नहीं हो, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ इसको देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप लोगों का जो मैथ्स का फोबिया है वो दूर हो जाए। तो चलिए सेकेंड वाला कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया ऐसे करके, तो डायरेक्ट करेंगे फिर से रियल रूट्स है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे करेंगे सर, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, थाइज एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हम लोगों को क्या करना है सर, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है। तो हियर ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, थ्री सर, तो प्लस थ्री। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस फोर रूट थ्री है, तो माइनस फोर रूट थ्री, दैट इज एक्स के साथ जो रहता है उसका होता है बी का वैल्यू। एंड सी का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे फोर है, ठीक है। तो अभी डी का वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि रियल रूट्स है कि नहीं। डी का फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था सर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। इतना लिख लिया, लिखने के बाद बी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पे है सर, यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है सर, माइनस फोर रूट ओवर थ्री,
तो लिखो माइनस फोर रूट ओवर थ्री और इसको होल स्क्वायर करना है, ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर, फॉर्मूला का फोर है बैठाओ, इन टू ए का वैल्यू कितना था सर थ्री बैठाओ, एंड सी का वैल्यू कितना था सर फोर बैठा दिया। अभी देखो होल स्क्वायर है ना माइनस फोर रूट ओवर थ्री, तो माइनस फोर को भी स्क्वायर करो, तो माइनस फोर इंटू माइनस फोर करने से कितना आ जाएगा सर प्लस सिक्सटीन, और यहाँ पे जो रूट थ्री लिख रहे हो ना रूट थ्री ये स्क्वायर के वजह से क्या होगा सर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू के फॉर्म में आ जाएगा, फोर के साथ रूट थ्री इंटू में इंटू के फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, कैसे थ्री आया समझ में आया, दैट इज स्क्वायर के वजह से रूट कैंसिल हो गया, और इधर में सर फोर इंटू थ्री करेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा कितना होगा सर फोर्टी एट, तो सिक्सटीन इंटू थ्री करने से कितना आता है सर फोर्टी एट आता है, और माइनस फोर्टी एट तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना प्लस माइनस में, 48 से 48 चला जाएगा तो लड्डू आ जाएगा ना, सो डी का वैल्यू क्या आ गया सर डी का वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गया, और मैंने अभी बताया ना अगर डी का वैल्यू जीरो आता है यानी अभी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तब एक्स का आंसर जो आएगा एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों ही इक्वल होगा यानी सेम होगा, ठीक है समझ में आ गया, फिर से कह रहा हूँ अगर डी का वैल्यू जीरो आता है तब एक्स का वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग मिडिल टर्म करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके उसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, सिंस ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है उन्होंने कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो चलो करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला क्या था मैंने आप लोगों को सिखाया था, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, दैट इज फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए यानी टू इंटू ए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, ए है फॉर्मूला का माइनस, बी के आगे माइनस है ना, दिस इज द फॉर्मूला माइनस, फॉर्मूला का माइनस है तो ये जैसा है उसको वैसे बैठाओ। अभी सेपरेट बी का वैल्यू कितना था सर, बी का वैल्यू आपने यहाँ पे कितना निकाला सर, दैट इज माइनस फोर रूट थ्री, तो सेपरेट बी का वैल्यू ब्रेकेट में बैठाओ माइनस आपका कितना था दैट इज फोर रूट थ्री ना, माइनस फोर रूट थ्री, ठीक है समझ में आया, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, दैट इज ए है फॉर्मूला का माइनस इसलिए मैंने बैठाया, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था सर माइनस में था तो इसलिए माइनस में इसको हम लोग ब्रेकेट में लिख दिए, ठीक है माइनस फोर रूट ओवर थ्री, देन प्लस माइनस है प्लस माइनस दे दो फॉर्मूला का। अभी सर एक बात बताओ इसको फिर से लिखना है क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू आप फिर से निकालोगे क्या सर, निकालना अगर चाहते तो निकाल सकते हो बट टाइम क्यों वेस्ट करना है सर, पहले ही तो आपने यहाँ पे लिखा ना निकाला है ना, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू कितना निकला है जीरो निकला है ना सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे क्या करना है सर रूट के अंदर जीरो लिख दो, बार बार क्यों निकालना है ख़त्म कर दो यही पे झमेला, और टू के जगह में टू बैठाओ इन टू, ए का वैल्यू कितना था सर ए का वैल्यू था थ्री तो हम लोग क्या करेंगे ए के जगह पे थ्री बैठा देंगे, इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका है। अभी देखो माइनस है माइनस माइनस में क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा यानी प्लस फोर रूट थ्री आ जाएगा, और इसके बाद ये प्लस माइनस जो है प्लस माइनस के बाद क्या है रूट ओवर जीरो है ना, तो रूट ओवर जीरो लिखने का कोई मतलब है आपको पता ही हो वहाँ पर जीरो होगा, जीरो का हम लोग अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, और प्लस माइनस लिखने के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला पोर्शन अभी हम लोग क्या करेंगे स्किप कर देंगे इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है समझ में आ गया। और नीचे में क्या आ जाएगा सर टू इंटू थ्री करने से सर सिक्स, राइट समझ में आ गया इतना तक। अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो सर, नीचे सिक्स है और यहाँ पे फोर इंटू रूट थ्री है तो सर इसको कैंसिल कर दो ना, कैंसिल कर दो टू से कैंसिल करने से सर टू टू जा फोर एंड टू थ्री जा सिक्स, ठीक है तो अभी क्या आ जाएगा सर यहाँ पे एक्स लिखते जाना, अभी आ गया ऊपर में रह गया क्या सर टू रूट थ्री, टू रूट थ्री और नीचे क्या आ गया सर थ्री, बट डियर आपके बुक में तो आंसर कुछ अलग ही है तो आप कैसे करोगे सॉल्व आंसर कैसे मिलाओगे, तो एक चीज़ देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, ये टू है टू रूट थ्री जैसा है उसको ऐसे लिखो, अभी जो नीचे थ्री दिख रहा है ना आप लोग इस थ्री को मैं क्या कर सकता हूँ इफ़ आई वॉन्ट आई कैन राइट इन दिस वे दैट इज रूट थ्री इंटू रूट थ्री। सर क्यों आपने ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री किया, यहाँ पे तो नीचे सिर्फ थ्री था
अरे जी डियर, मैंने इसको जस्ट कन्वर्ट किया है। अगर मैं ऐसे लिखूं, दैट इज फोर को अगर मुझे लिखना है, फोर को मैं ऐसे लिख नहीं सकता है क्या? दैट इज रूट फोर इंटू रूट फोर नहीं लिख सकता हूँ क्या? अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? फोर फोर जा 16 हो जाएगा, रूट ओवर 16, और रूट ओवर 16 का आंसर क्या आता है सर? 4 ही तो आता है ना घूम फिर के, तो सेम वही तो है ना। 3 इंटू 3 करने से क्या आ जाएगा सर? 3 इंटू 3 करने से सर रूट ओवर 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 3 तो आता है। तो आंसर मिलाने की वजह से हम लोग इसको फिर से तोड़ रहे हैं, ठीक है। बुक में जैसा है वैसा आंसर बनाने के लिए मैंने इसको दैट इज इस 3 को इस फॉर्म में लिख लिया है। और लिखने के बाद अभी क्या करना है सर? ऊपर में रूट थ्री है, नीचे भी रूट थ्री है, दोनों को कैंसिल कर दो, एक एक करके कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद सर क्या रह जाएगा? रह जाएगा आपका 2√3, और आपके बुक में आंसर सिर्फ यही दे के रखा है। तो 2 निकालना था, ठीक है, इक्वल रूट्स मैंने कहा था। तो अभी मुझे बताओ, अगर एक रूट का वैल्यू 2√3 होगा तो सेकेंड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3 तो होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स का मतलब क्या? दोनों सेम होगा, तो देयरफॉर लास्ट में लिख देना, देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स आर, पहला वाला हो जाएगा 2/√3, कोमा फिर से क्या लिखना है सर? दैट इज 2√3। तो ये वाला खत्म यहीं पे। आई होप समझ में आ गया इक्वल रूट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दोनों ही रूट्स क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, वो करना है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया है ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए खुद से, और बना के ही मुझे कॉपी सबमिट करना, ठीक है। अदरवाइज कॉपी सबमिट मत करना, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद ही कॉपी सबमिट करना, जैसे मैंने क्वेश्चन बना के दिया है। तो मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोगों को क्वेश्चन लिख के मुझे दिखाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी फटाफट से। सो दिस इज द इक्वेशन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हियर जो जो है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 2x² के साथ है। बी का वैल्यू हो जाएगा क्या सर? एक्स के साथ जो है दैट इज -6। और सर सी का वैल्यू, कॉन्स्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है सर? 3 हो गया। तो अभी डी का वैल्यू निकालो, डी इक्वल टू क्या था? b² - 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या सर? -6। तो b² के जगह पे लिखो -6² - 4 इंटू ए का वैल्यू कितना था सर? 2, तो बैठा दो। और c का वैल्यू कितना था सर? 3, बैठा दिया। बैठाने के बाद -6 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 6 6 = 36। माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24, ठीक है। अभी इसको माइनस करो, 36 से 24 चला जाएगा तो सर 12 रहेगा। अभी मुझे बताओ डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है ना, आया कि नहीं? डी का वैल्यू 0 से बड़ा, दैट इज 12 + 12 आया। तो यहाँ पे क्या होगा? इस इक्वेशन को अब लोग अभी हम लोग जगह सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 रूट्स मिलेगा, और उन दोनों रूट्स का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो करते हैं सॉल्व सर फटाफट से, किससे करेंगे सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं फटाफट से, दैट इज एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4a * c / 2a, यानी 2a। तो फॉर्मूला लिख लिया, अभी फटाफट से सॉल्व करते हैं सर। माइनस है, फॉर्मूला का माइनस बैठाओ। अभी b का वैल्यू कितना था सर? b का वैल्यू यहाँ पे -6 था, दिखा है ना? तो -6 बैठा दो, प्लस माइनस था प्लस माइनस दे दो। अभी बताओ फिर से क्या b² - 4ac का वैल्यू निकालोगे सर? क्यों बार बार निकालना है? यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 निकाला है ना आपने सॉल्व करके, तो डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दो ना 12। बैठा दिया, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 * a का वैल्यू कितना था सर? 2 था, तो लिख दो यहाँ पे 2। ओके, तो लिख दिया।
अभी यहाँ पे माइनस माइनस में क्या हो जाएगा सर, माइनस इंटू माइनस करने से प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस था लिख दो। अभी इस ट्वेल्व को हमको क्या करेगा, ट्वेल्व को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सर, ट्वेल्व को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टर कर सकते हैं, दैट इज़ टू, सिक्स ज़ार ट्वेल्व एंड टू थ्री ज़ार फोर, यानी टू टू थ्री, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ट्वेल्व को। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, टू इंटू टू इंटू थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा सर, टू टू ज़ार फोर। ऐसा लिखने का कारण यही है कि क्या, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, सिक्स लिख दिया प्लस माइनस। अभी देखो यहाँ पे दो स्क्वायर रूट अगर करना हो हम लोगों को, तो जो जोड़े में होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट के बाहर लेकर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे दो रूट है ना, दो टू टू है, देखा, दैट इज टू इंटू टू है, जोड़े में है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, रूट का, रूट का बाहर लिख दिया टू, और थ्री बेचारा सिंगल है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सर, जो सिंगल है वो घर में रह जाएगा, ठीक है, दैट इज रूट थ्री अंदर भी रह जाएगा। समझ में आया, जोड़ा में जो होगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, और जो सिंगल है वो अकेला रूट के अंदर में रह जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा सर, फोर हो गया। इतना तक समझ में आ गया ना। अभी आप लोग क्या करोगे सर, सर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किसको कैंसिल करोगे, फोर के साथ टू को। डियर डोंट थिंक लाइक दैट, यहाँ पे प्लस माइनस से पहले, तो आप इसको और फोर को तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस है। अभी इसको कैंसिल करना चाहते हो सिक्स के साथ फोर को, सर कैंसिल तो कर सकते, लेकिन अगर कैंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। तो क्या करोगे अभी सर, कैंसिल ना करे तो करे क्या सर। अरे सर एक काम करते हैं ना, हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना, कैंसिल नहीं करके ऊपर में हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे टू है, तो देखो इन दोनों संख्या के पास एक कॉमन नंबर है, कॉमन संख्या कौन सा है, दैट इज टू है, तो हम लोग टू को कॉमन ले लेंगे। ऊपर में टू कॉमन अगर लेंगे सर, तो अभी टू से सिक्स को डिवाइड करो, कितना आ जाता है, टू थ्री ज़ा सिक्स सर, प्लस माइनस दे दो, ठीक है। और सर टू को अगर टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, वन आएगा, तो वन यहाँ पे मैं लिखूँ क्या सर, क्यों वन को लिखना है, बिकॉज वन लिखोगे थ्री के साथ, रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होके तो रूट थ्री बन जाएगा, तो इसीलिए टू को टू टू से डिवाइड करेंगे तो वन होगा, वन के साथ रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या बन जाएगा, सिर्फ रूट थ्री बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे वन दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और नीचे क्या था सर, फोर था, तो लिख दो ना आराम से फोर सर, फोर लिख दिया। अभी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को काट सकते हो, दैट इज़ फोर नीचे है और टू है ब्रेकेट के बाहर, तो अभी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, दैट इज टू टू जा फोर, टू वन जा टू, काट दिया। समझ में आ गया इतना, ओके सर। अभी क्या करना है सर, सर अभी करना है मुझे, ऊपर में क्या रह गया, वन, फिर से वन लिखना है क्या सर, वन तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और वन के साथ मल्टीप्लाई होने से तो सेम संख्या रहता है, तो वन क्यों लिखेंगे सर, सिर्फ रह जाएगा आपका ऊपर में थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, और नीचे में हो जाएगा आपका टू। समझ में आ गया, आ गया ना टू। अभी सर क्या करना है इसके बाद, सर अभी आधर और कर दो ना, आंसर निकल जाएगा। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, जो प्लस माइनस है इसकी वजह से एक बार प्लस एक बार माइनस। सो सर एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स लिखो इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री, रूट ओवर थ्री डिवाइडेड बाय टू, हो गया एक रूट का आंसर, एक एक्स का आंसर निकल गया। सेकेंड वाला हो जाएगा सर थ्री, दैट इज एक्स का वैल्यू निकलना, एक्स इक्वल टू एक बार प्लस किया एक बार माइनस कर देंगे, माइनस रूट ओवर थ्री बाय टू, सो दैट्स इट। अभी देखो x का दो अलग अलग आंसर निकला है ना, एक निकला है प्लस में एक निकला है माइनस में, तो समझ में आ गया कैसे रूट्स का नेचर निकालना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर d का वैल्यू, अगर d का वैल्यू आपका जीरो से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे है 12 निकला, तो हम लोगों को जो रूट्स निकलेगा, x का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या होगा, आपका अलग अलग होगा, रियल रूट्स होगा और इसका आंसर अलग अलग होगा, यानी x का दो वैल्यू निकलेगा अलग अलग। और अगर d का वैल्यू जीरो के समान होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया दो नंबर में, अगर d का वैल्यू जीरो के समान होता है तो आप लोगों का जो रूट्स निकलेगा वो दोनों ही क्या हो जाएगा सर, सेम रूट्स होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो निकलता है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका नेगेटिव आता है, यानी जीरो से छोटा होता है, तब वहाँ पर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम लोग क्या नहीं कर सकते सर, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते।
सो दैट्स इट, मैंने आप लोगों को समझा दिया है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सम। अभी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो लिख लो और करके मुझे दिखाना है। सो ये चार क्वेश्चन मैंने दिया है, कोई चालाकी नहीं, ठीक है। आप लोगों के बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है, और बाद में मुझे कोई मत बोलना कि सर मेरे पास डेटा नहीं था, मैं देख नहीं पाया और एंड तक मैंने देखा नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत चालू हो, ठीक है। तो ये चारों का होमवर्क मुझे चाहिए ऑन मंडे, या फिर मंडे, बिकॉज बीच में संडे है ना, आप लोग रेस्ट करोगे तब, तो मंडे मुझे चारों का चाहिए होमवर्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।